शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओहो, दुर्जन, दुर्जन, ए, घर नीचे। खुशी हुई इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर। दुर्जन मेरे भाई, ए, घर नीचे, एड़ा है ये। अपनी खुशी को संभाल के रख, बाप बनने पे काम में आएगी। तेरा हमारा रिश्ता दोस्ती का नहीं, सौदेबाजी का है। विलायती जी, इसमें सोना हीरे जवाहरात हैं। बाजार में इसका भाव 50 करोड़ है। इसे बेचना तेरा काम है। 10% अपना कमीशन रख के बाकी का पैसा वहां पहुंचा देना जहां मैं कहूंगा। बिल्कुल। अरे, हमारी पहले भी तो डील हुई है, लेकिन मैंने कभी चीटिंग नहीं की। जानता हूं, वो छोटे मोटे धंधे थे, ये पूरा 50 करोड़ का है। 50 करोड़ की चमक जब आंखों को सताए, बेईमानी दिल में आए, तो बस मेरे बारे में सोच लेना। जब मैं 4 साल का था तो हमारे गांव में एक सांप ने बहुत आतंक मचाया हुआ था। काला सांप, कोबरा। फिर वो सांप अचानक हमारे घर में घुस गया। सुबह आंगन में उसकी लाश पड़ी हुई थी, काले से नीला हो गया था। मेरी माँ ने कुछ दूध कटोरे में डालकर रखा था, उसने चख लिया और मर गया। जानते हो क्यों? क्योंकि वो दूध मेरा झूठा था। तब 4 का था, अब मैं 40 का हूं। ऊपर से लेकर नीचे तक शहर से भरा हुआ मैं हूं की कोबरा, याद रखना। 50 करोड़! लेकिन ये हर बात को निबंध की तरह क्यों बोलता है? सीधे भी तो बोल सकता है कि मेरा झूठा दूध पीने से सांप मर गया। कुछ भी होगा जिराज, जल्दी से इसके डील फाइनल करके इससे छुटकारा पाओ। इतना चबा चबा कर मत बोलो रंजीत। सॉरी। ये नहीं जानता, जब मैं 4 साल का था तो क्या करता था? मुझे पता है, जब तुम 4 साल के थे तो इंडिया गेट पे गजरा बेचा करते थे गजराज। इसका कितना? 7000। तू तो बहुत महंगा निकला रे। नो प्रॉब्लम एट ऑल। अरे सेठी, हाय। पहले बिल फिर हिल। सेठी, मैंने तो एक्चुअली सिर्फ 15,000 का माल लिया है, लेकिन आपने जो कल ज्वेलरी की दुकान से अपनी गर्लफ्रेंड मोना के लिए जो सामान लिया है, जरा सोचो अगर भाभी जी को पता चल गया तो बेचारी को जोर का झटका तो लगेगा ही। लग गया झटका उसको। क्या मतलब? वो देख। ये कब हुआ? 1 महीना हो गया। ज्यादा ही जोर का झटका लगा है ना? अब इसको पकड़िए, मैं भाभी जी के आत्मा के लिए प्रार्थना करके आता हूं। एडी, ए, पकड़ो उसको, पकड़ो, पुलिस, पुलिस। अच्छा। आज छोड़ूंगा नहीं साले को। कहाँ गया? सरेंडर कर, नहीं तो एनकाउंटर कर दूंगा। अरे भाग के कहाँ जाएगा? मोहल्ला थोड़ी छोड़ देगा तू? ठहर जा। अच्छा, इधर छुपा बैठा है। आज काम तमाम कर देंगे, आप अकेले नहीं, हम आपके साथ हैं। तुम उधर से कवर करो भाई, मैं इधर से कवर कर रहा हूँ। क्या कर रहा तू? औकात क्या है? ए, चूहे की
अरे इधर पीछे है वो। आप चिंता मत कीजिए सर, निकल आ रहा है, इधर आ रहा है। सर हम डटे हुए हैं, मोर्चा संभाले हुए, भागने नहीं देंगे साले को। मतलब फीमेल, तुम मुझे क्या देख रही हो, बोलोगी? वही लगी थी वो। अरे क्या उलझुल उल बकरे हो तुम लोग, तुम लोगों को कैसे मालूम कि वो चूहिया ही थी? सर जी एक बात बताना, जब आप रात को सोते हो तो वो आपके पैर के नीचे आके गुदगुदाती है? करेक्ट। कभी कभी कान के नीचे आके शरारत भी कर देती होगी? करेक्ट। कभी कभी रुमाल भी छुपा के भाग जाती होगी? हाँ, इस बात का इंडिकेशन है कि वो चरित्रहीन चूहिया ही थी और आपका चरित्र खराब करने आई थी। अरे ये बताओ तुम लोग हो कौन? हम फटाफट पेस्ट कंट्रोल की तरफ से आए। आपने फोन किया था? मैंने फोन तो नहीं किया था, लेकिन अच्छा हुआ कि तुम लोग आ गए। मैं हजारी, तू बोल ना। मुरारी। जहाँ जहाँ हम पधारे जीव जंतु सब स्वर्ग में सिधारे। हाँ। अच्छा ये बकवास बंद करो, वो तो भाग गया, उसके रिश्तेदार अंदर ही कहीं होंगे, चलो ढूंढो उनको। सर आप 2 घंटे के लिए बाहर जाइए, हम सब निपटा देंगे। नहीं नहीं भाई, मैं यहाँ रुककर तुम लोगों की मदद करूंगा। नहीं नहीं नहीं, ये जो कीटनाशक है ना, इससे आपके स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ सकता है। अगर आप लोग दूसरों के लिए इतना जोखिम उठा सकते हो तो क्या मैं अपने लिए इतना सा जोखिम नहीं उठा सकता? सर सही कह रहे हैं। क्या सही कह रहे हैं, घंटा सही कह रहे हैं। चलो भाई काम हो गया सर। क्या मतलब, कुछ किया ही नहीं तुम लोगों ने? सर सही कह रहे हैं। अरे क्या सही कह रहे हैं सर, ये फटाफट पेस्ट कंट्रोल है, 15 दिन में इसका इफेक्ट पता चलेगा। सर ये भी सही कह रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूँ सर, पैसा मत दीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमें हाईली कहीं रिकमेंड कर दीजिएगा। अरे जो कुछ मिले वो तो ले लो। अरे इनके पैसे से तुम घंटा उगाड़ लोगे, चलोगे कि नहीं? सर अगर हमें अच्छी जगह रिकमेंड कर देंगे तो मालूम है लाइफ पॉलिश हो जाएगी हमारी, है ना सर? एक जगह है जहाँ तुम लोगों की जरूरत है। क्या है, क्या है, कौन है, क्या हुआ, क्या हुआ कुसुम, क्या हुआ, कौन है? कॉकरोच। कॉकरोच? अरे मुझे तो लगा कोई शेर चीता आ गया जो तुमने इतना दहाड़ दिया। कितने दिनों से मैं कह रही हूँ कि पेस्ट कंट्रोल करा दो। मुझे अच्छी तरह से याद है, आपने कहा था कि आप छिपकली और कॉकरोच से बहुत परेशान हैं। कुकी जी। हाँ। कुकी, कुकी कौन है? कुकी मैं हूँ। तुम? थैंक यू पीपी। पीपी? पीपी मैं हूँ। कौन? पीपी मैं हूँ। भाभी जी मुझे प्यार से पीपी कहती है। ओ, कुकी पीपी, पीपी कुकी। और ये दो आइटम कौन है? आइए श्रीमान बताइए। ये फटाफट पेस्ट कंट्रोल है जी। मैं हजारी हूँ और मैं मुरारी। अरे वाह 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 वाह, ये दोनों कर देंगे फटाफट पेस्ट कंट्रोल। लेकिन उसके लिए आपको 4 घंटे के लिए बाहर जाना पड़ेगा। बाहर जाना पड़ेगा क्यों? बर्दाश्त नहीं होगा ना सर, 2-4 घंटे के लिए शॉपिंग कर लीजिए। कुकी जी को फिल्म देखनी है, कह रही थी बहुत दिन से फिल्म नहीं देखी। अच्छा भाभी जी हैं? अरे ये हमारा घरेलू मामला है। अच्छा पता है हमें बहुत प्यार आदर और सत्कार से रखा हुआ है इस घर में। 13 साल से मैं इनके अंडर काम कर रहा हूँ, उसके पहले 7 साल तक ये। अरे मैं तो कहता हूँ अगर हमें फिल्म देखने जाना है डार्लिंग तो बहुत देर हो जाएगी। लेट्स गो। तुम पीपी मतलब प्रलय प्रताप इन दोनों लोग पे ध्यान रखना। जी आप कुकी जी का ध्यान रखना। दैट आई विल, कम ऑन डार्लिंग। थैंक यू पीपी, बाय बाय कुकी जी। शुरू करो। ये कमिश्नर है कि घंटा, यही काम संभालता है। जबान संभाल के बात कर। अबे मुरारी, भाभी जी कमाल का माल है, साड़ी कहाँ सुखाती होंगी? फ्रिज में। क्या लंगूर की तरह लटके हो, घर बहुत बड़ा है। हाँ बड़ा है। तुम लोगों ने अपनी फीस नहीं बताई। अरे कमिश्नर साहब ने भी तो कहा अपनी सैलरी बताई। अरे कमिश्नर साहब की सैलरी से आपकी फीस का क्या लेना देना, चलो काम शुरू करो। चलो चलो। अरे यहाँ काम नहीं हो सकता। क्यों 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 क्यों? अरे लाल बाबा का प्रकोप है। क्या बात, क्या बात कर रहे हो? अरे भूल गए लाल बाबा को, क्या बात कर रहे हो? सर जी यहाँ लाल बाबा का प्रकोप है, यहाँ हम जीवन भर पेस्ट कंट्रोल करते रहेंगे, पूरा घर खोद करके कब्रिस्तान बना देंगे, फिर भी जीव जंतु बैठ के यहाँ आपके साथ संतरा और अंगूर खाएंगे। क्या मतलब? मतलब काम नहीं हो सकता। ऐसा कैसे बोल रहे हो, मैंने कुकी जी से प्रॉमिस किया है। आपको अपने प्रॉमिस की पड़ी है? वहाँ लाल बाबा चौराहे पे बैठ के आंख जो दिखा रहे हैं उसका कुछ नहीं। अरे लाल बाबा है कौन? तुम बैठ के हाँ मैं हाँ क्या बोल रही हो, कुछ बताओगी लाल बाबा के बारे में? लाल बाबा कुल देवता है जीव जंतुओं के, उनका प्रकोप है इस घर में। लाल बाबा को शांत किए बिना जीव जंतुओं को निकालना उतना ही मुश्किल है जितना इंडिया के लिए दाऊद को ढूंढना। लाल बाबा शांत कैसे होंगे ये तुम बताओ। अरे हमको क्यों डांट रही, कोई मेरा घर है, इनसे कहो इमली के 8 बीज लेकर के 11 अलग अलग कुओं में डालें और पलट के ना देखें। अब ये 11 कुएं मैं कहां से ढूंढूं, कहां से लाएं 11-12 कुएं? सर उसका भी तोड़ है, एक अंग्रेज के काले कुत्ते को बिस्किट खिलाओ, 2 बार करो, उसके बाद पैर छू लो, काम हो गया सर। ठीक है कुकी जी के लिए मैं काले कुत्ते के पैर भी छू लूंगा जी। तुम लोग ऐश करो, संतरे लपेटो। जी जी हम सब लपेट रहे हैं सर।